आज दिल्ली सरकार के 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं, तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पॉन्स है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्नआउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं। अभी तक किसी भी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं आया हो या किसी सेंटर पर कम प्रेजेंस हो, तो ऐसा लग रहा है कि ये 100% टर्नआउट लोगों का रहेगा। युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मैंने लोगों से भी मिला जाके, उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं। अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। पर मुझे खुशी है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगने लगेगी तो लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन का 4.5 लाख आपने बताया है आंकड़ा, ये कब तक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार आप लोग संपर्क में? नहीं, हम लगातार कंपनियों के संपर्क में हैं और वो जैसे क्योंकि परसों उन्होंने 4.5 लाख दी है, धीरे धीरे और भी दे देंगे। क्या हालात के मद्देनजर आर्मी की भी मदद मांगी है दिल्ली सरकार ने? हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। मनीष जी, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है दिल्ली में, क्योंकि बीते समय में कितना मिल जा रहा है कोटे का? क्या मिल रहा है कल? अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने हैं, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है।